व्यूअर्स, यहाँ हम आज कंडेंस मिल्क बना रहे हैं। तो ये हमने पैन रखा हुआ है एक, तो इसमें 2 कप हम दूध शामिल करेंगे और फ्लेम हमने ऑन कर दी है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और 1 कप हम इसमें शुगर का ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम मिल्क ऐड कर रहे हैं 2 कप। ये 2 कप मिल्क किया, ये 1/2 कप रह गया था, समझो 2 कप हो गया। और ये 1 कप हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो इसको हल्का सा हिलाएंगे और ये देखें, इसको थोड़ा सा चलाएंगे चम्मच, और उसके बाद फिर हम अपना थोड़ा सा काम कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है और हमारा ज़बरदस्त किस्म का कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा। तो जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो तब हम इसको वैसे साथ साथ चेक करते रहेंगे, लेकिन जब गाढ़ा होने लगेगा तो हम मुसलसल चमचा चलाएंगे कि नीचे से ना लगे और ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, कोई जायका ना आए, क्योंकि नीचे से लगने का भी ख़तरा होता है तो स्मेल वगैरह आ जाती है। तो इसलिए हम इसको साथ साथ चेक करते रहेंगे, तब तक हम अपना और काम कर लेते हैं। और जब तक हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं। ये देखें व्यूअर, ये हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो रहा है और बिल्कुल ये लो फ्लेम पे है, और साथ साथ मैं मुसलसल चेक कर रही हूँ। ये देखें अभी गाढ़ा नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। और यूँ भी आप साथ साथ में चेक कीजिएगा, कोई काम भी करें बेशक बिल्कुल लो फ्लेम पे क्यों ना रखें, लेकिन चेक लाजमी करना है कि खुदा ना खौस्ता अगर जल्दी गाढ़ा हो गया तो नीचे से ना लगे, क्योंकि बिल्कुल ख़राब हो जाएगा फिर। तो इसलिए ज़रूरी एहतियात यही है कि आप ध्यान से चेक कीजिएगा। ये देखें साथ साथ में, तो हम भी साथ साथ में चेक करते हैं जैसे गाढ़ा होता है, तो फिर मिलते हैं। देखिए व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो रहा है और ये देखें गाढ़ा हो रहा है इस पॉइंट पे, ये देखें। तो हम इसमें मुसलसल चमचा चलाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लग ना जाए नीचे से, क्योंकि इसका जायका चेंज हो जाएगा और एकदम ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको मुसलसल चमचा चलाएंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, हर चीज़ में आप डाल सकते हैं, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। आइसक्रीम हो गया, खीर हो गया, बाज़ूकात हम चीज़ें छोड़ देते हैं, चले जी अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है तो हम छोड़ दें, ये नहीं बना रहे, हालांकि हम घर पे बना लें, रेडी कर लें और जल्दी से अपना मिल्क शेक, आइसक्रीम, खीर वगैरह और केक वगैरह और डिज़र्ट रेडी कर सकते हैं। तो चलें अभी इसको हम थोड़ा सा और गाढ़ा करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इस पॉइंट पे हम ये फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये देखिए गाढ़ा हो गया है, फिर जब भी ठंडा होता है तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। और बहुत ये देखें ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कंडेंस मिल्क की, बहुत मज़ेदार सी। तो मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ इस पॉइंट पे, तो थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखते हैं, तो फिर डिश आउट करते हैं। ये देखिए मज़ेदार किस्म का झटपट 2 इंग्रेडिएंट्स में हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो गया है। तो चलें ठंडा होने पे मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा कंडेंस मिल्क रेडी हो गया है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। आपको पता है हर बाज़ूकात ऐसी रेसिपियाँ होती हैं कि उसमें यूज़ होते हैं, तो आप भी बनाएं घर पे, ये ना हो कि बाज़ूकात हम कहते हैं कि चलें कंडेंस मिल्क नहीं है तो कल बना लेंगे, नहीं, घर पे बनाएं कंडेंस मिल्क और अपनी रेसिपियाँ रेडी करें। खीर में भी डलता है, केक में, जो मैं पहले बता भी चुकी हूँ, तो आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।